कामयाबी मुझे ना मिले ये अलग बात है, पर मैं मेहनत ही ना करूं ये गलत बात है। तो आज के वीडियो की शुरुआत मैं करूंगी इस मोटिवेशनल कोट के साथ। और आज है 21 हार्ड चैलेंज का डे 1। तो आज मैं उठ गई थी सुबह 4:30 बजे, और सुबह उठने के बाद मैं सबसे पहले ब्रश कर लेती हूँ ताकि मैं फ़्रेश फील कर सकूँ, अदरवाइज़ मुझे बहुत नींद आती है। तो ब्रश करने के बाद मैं आ गई हूँ पढ़ाई करने के लिए, और दिन की शुरुआत करूँगी पॉलिटी सब्जेक्ट के साथ। और सबसे पहले मैं आपको यहाँ ना गूगल पे रियल टाइम सर्च करके दिखा दूँगी। तो देखिए, गूगल भी कह रहा है कि सुबह के लगभग 5 बजने ही वाले हैं। तो आज मैं सुबह सुबह उठ गई थी पढ़ने के लिए, क्योंकि आज फर्स्ट डे था, तो आज मुझे चैलेंज को बहुत अच्छे से फॉलो करना था। और आज मैं सबसे पहले पॉलिटी पढ़ रही थी। पॉलिटी पढ़ने का तरीका मैंने आपसे बहुत बार शेयर किया है, आज फिर कर देती हूँ। अगर आपको पढ़ना है तो आप हर दिन किसी भी बुक से पॉलिटी उठाइए और 1 या 2 पेज हर दिन पढ़िए। नेक्स्ट डे जब आप दोबारा शुरू करेंगे तो पीछे जो पेजेस को आपने पढ़ा था उसको एक एक बार रीड कर लीजिए। तो इससे क्या होगा कि आपने जो भी पॉलिटी पढ़ा है वो बहुत अच्छे से आपको लर्न रहेगा, क्योंकि आगे बढ़ने से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है रिवीजन करना। और मैं हमेशा रिवीजन मेथड से ही पढ़ती हूँ। जैसे मान लीजिए, कल मैं अगर पॉलिटी के नेक्स्ट पेजेस पढ़ूँगी तो पहले जो पढ़ा था उसको एक बार देख लूँगी, उसके बाद नेक्स्ट पेजेस पढ़ूँगी। और इसी तरीके से आपको भी पॉलिटी या कोई भी सब्जेक्ट कंप्लीट करना चाहिए, क्योंकि जब हम बार बार रिवाइज़ करते हैं ना तो चीज़ें दिमाग में बैठती जाती हैं। और देखिए, बहुत सारा कंटेंट फॉलो करने से अच्छा है कि आप लिमिटेड कंटेंट को फॉलो कीजिए, लेकिन हाँ, उसको बार बार रिवीजन कीजिए। इससे क्या होगा कि आपका बेस बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगा। सुबह सुबह तो मुझे बहुत नींद आ रही थी पढ़ने में, लेकिन थोड़ी देर के बाद ना मैं एक्टिव हो गई, क्योंकि सुबह सुबह ना ऐसे बोलने का भी मन नहीं करता है जब हम उठते हैं तो। बट थोड़ी देर पढ़ने के बाद मैं एक्टिव हो गई जैसे जैसे टाइम बीतता गया। तो बस सुबह में मैंने लगभग 1.5 घंटे की पढ़ाई की थी, और आज संडे था, तो आज संडे को ना मेरे पास कोई मतलब ऐसा कंपल्शन नहीं होता है कि बहुत जल्दी खाना बनाना है, क्योंकि मम्मी जी की स्कूल में छुट्टी होती है। तो बस इसके बाद ना मैं छत पे चली गई थी मोटिवेशनल बुक पढ़ने के लिए। और अगर आप नवादा से हैं तो आपको तो पता ही होगा कि अभी नवादा का मौसम ना एकदम मनाली जैसा हो गया है, मतलब हर दिन बारिश होती है, बहुत अच्छा मौसम होता है। आप में से बहुत लोग पूछ रहे थे कि दी आप कौन सी मोटिवेशनल बुक पढ़ रही हैं अभी। तो अभी ना मैं एटॉमिक हैबिट्स पढ़ रही हूँ, और इसको हाफ मैंने कंप्लीट किया था पहले। तो अभी का जो चैप्टर है वो है चैप्टर नंबर 7, और इसमें था ना कि हाउ टू मास्टर सेल्फ कंट्रोल, मतलब कि हम सेल्फ कंट्रोल को कैसे मास्टर कर सकते हैं, तो इन सारी चीज़ों के बारे में बताया गया था। इसमें बहुत अच्छी बात ऑथर लिखते हैं ना कि अगर आपको मोबाइल से डिस्ट्रैक्शन है, अगर आप पढ़ने बैठ रहे हैं या फिर ऑफिस का काम करने बैठ रहे हैं बट आपको लग रहा है कि आपका मोबाइल आपको डिस्टर्ब कर रहा है, तो आप अपने मोबाइल को दूसरे रूम में रख दीजिए। तो इससे क्या होगा कि मोबाइल जब दूसरे रूम में रहेगा तो आपको बहुत ज़्यादा सेल्फ कंट्रोल प्रैक्टिस करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ज़बरदस्ती खुद को कंट्रोल नहीं करना पड़ेगा। इसका मतलब ये है ना कि जो चीज़ आपको डिस्ट्रैक्ट कर रही है उसके सोर्स को ही हमें ख़त्म कर देना है। जैसे ऑथर एक और एग्जाम्पल देते हैं कि अगर आपको पतले होना है, आप मोटे हैं अभी और जंक फूड आप अवॉइड करना चाहते हैं, तो आपके घर में जितने भी जंक फूड के डब्बे हैं, मिक्सचर, चॉकलेट, बिस्किट जो होता है, वो सब आप अपने रूम से हटा दीजिए। तो जब आपको वो रूम में दिखाई देगा ही नहीं, तो आपके अंदर वो क्रेविंग ही नहीं आएगी कि मुझे ये खाना चाहिए। और जब क्रेविंग नहीं आएगी तो अल्टीमेटली सेल्फ कंट्रोल का कॉन्सेप्ट ख़त्म हो जाता है, फिर आपको खुद को कंट्रोल करने की ज़रूरत पड़ेगी ही नहीं। अब देखिए, ये जो मैंने मोटिवेशनल बुक पढ़ी तो इससे मुझे बहुत सारा नॉलेज गेन हुआ। मुझे पता चला कि कैसे हम अपने आप को कंट्रोल कर सकते हैं विदाउट एनी एफर्ट। और यही फ़ायदा होता है मोटिवेशनल बुक पढ़ने का, जब आप पढ़ेंगे ना तो आपके नॉलेज का जो एरिया है वो बहुत ज़्यादा वास्ट हो जाएगा। आप केवल खुद पे सेंट्रिक नहीं रहेंगे, मतलब सिर्फ अपने बारे में नहीं सोच के और भी बहुत लोगों के बारे में सोच पाएंगे, और ये भी सोच पाएंगे कि अगर आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम्स है तो आपको उसको कैसे हैंडल करना है। और मैं मोटिवेशनल बुक्स इसलिए ही पढ़ती हूँ ना ताकि मैं हमेशा मोटिवेटेड रहूँ। देखिए, अगर मैं जॉब नहीं भी करूँगी ना तो मेरा काम चल जाएगा, लेकिन मैं जॉब करना चाहती हूँ अपनी मम्मी के लिए, क्योंकि मेरी मम्मी ने ना बहुत सारे सेक्रीफाइसेस किए हैं हमें पालने पोसने में, हमें बड़ा करने में। आप ये समझिए कि मेरी मम्मी आज तक झारखंड बिहार से बाहर कहीं गई नहीं है। 40 साल ज़िंदगी के मेरी मम्मी ने घर में निकाल दिए। तो मुझे लगता है कि यार इतना तो कुछ कर लें कि मम्मी को थोड़ा घुमा दे, बहुत ज़्यादा तो मैं उनको वर्ल्ड टूर नहीं करा पाऊँगी, पर अपनी एफिशिएंसी से जितना मतलब अपनी मम्मी को मैं खुशी दे सकूँ, क्योंकि उन्होंने बहुत ही ज़्यादा दुख देखा है अपनी लाइफ में। और जब उनके बारे में सोचती हूँ ना तो मुझे लगता है कि नहीं ब्यूटी, तुम यहाँ पे तो नहीं रुक सकती हो, अब इतनी दूर आके तुमको अचीव करना ही है जो भी तुम्हें करना है लाइफ में। और मैं कुछ भी अचीव करना चाहती हूँ तो वो सिर्फ़ और सिर्फ अपनी मम्मी के
लिए, क्योंकि मुझे याद है कि जब हम छोटे थे तो मम्मी ऐसे अपने नए कपड़े भी नहीं खरीदती थी, उसके बजाय हमारे खरीद देती थी। तो अब हमारा टर्न आया है ना, अब मैं सोचती हूँ कि अब मैं अपनी मम्मी के लिए करूँगी, क्योंकि ये फीलिंग ना, मतलब जिस दिन मैं अपनी मम्मी के लिए कुछ कर पाऊँ बहुत बड़ा, मतलब वो मेरी लाइफ का बेस्ट दिन होगा। अब पता नहीं वो लाइफ का बेस्ट दिन कब आने वाला है, पर मैं भगवान से प्रेयर करती हूँ कि जल्दी ही आ जाए मेरी लाइफ में भी और आप सबके लाइफ में भी। और ये देखिए, आज जो बेसन चीला बन रहा ना, ये मम्मी जी बना रही हैं, ये मेरी सासू माँ का स्पेशल बेसन चीला है। इसमें इन्होंने क्या किया ना कि बहुत सारा पत्ता गोभी ग्रेट करके डाल दिया है, फिर प्याज, उसके साथ बेसन, बेसन में थोड़ी सी सूजी और थोड़ा सा आटा भी, और फिर बहुत सारा लहसुन, मिर्चा और मिक्स मसाला, इसके अलावा आमचूर पाउडर, सब कुछ अच्छे से मिक्स करके। और मम्मी जी आज क्या करेंगी ना कि छोटे छोटे बनाएंगी, जैसे मैं हमेशा मतलब बड़े साइज़ का बनाती हूँ, बट आज मम्मी जी छोटे छोटे बनाएंगी। और लास्ट में ना हमारे पास चना था, तो मम्मी ने कहा इसे भी ऐड कर दो। तो ये कुछ ज़्यादा ही मिक्स बेसन चीला है, बट ये टेस्टी बहुत था खाने में। देखिए, बिहार में ना इसे बीड़ी बोलते हैं, और जो लोग बिहारी होंगे वो जानते होंगे। मम्मी जी कह रही थी कि वीडियो में तुम बोल मत देना कि इसे बीड़ी बोलते हैं, तो सब सोचेगा कि बीड़ी पिया जाता है कि खाया जाता है। के बाद आज 21 डे का चैलेंज है, तो आज मैं अपना वेट करके आपको दिखा दे रही हूँ। मेरा वेट है 64 kg 800 ग्राम, मतलब कि 65 kg। और अभी मैं जा रही हूँ एक्सरसाइज करने के लिए। तो एक्सरसाइज करना मेरे लिए हर दिन है, क्योंकि मैंने टारगेट लिया है कि मैं हर दिन 30 मिनट का एक्सरसाइज करूँगी ही। तो अभी तो मैं कार्डियो कर रही हूँ, और कार्डियो में मैं जनरली यही वाला करती हूँ, ये बहुत बढ़िया एक्सरसाइज है। आप करेंगे ना, मैं आपको बता रही हूँ, शुरू के 10 मिनट में ही आपके पसीने छूट जाएंगे। ये एक्सरसाइज तो थी आधे घंटे की, बट मैंने इसे 45 मिनट में कंप्लीट किया है, और लगभग 600 कैलोरीज बर्न किए हैं, और बहुत मज़ा आया। अगर आप शुरुआत में एक्सरसाइज करना शुरू कर रहे हैं ना, तो मैं आपको कहूँगी कि एकदम आप इजी वाला, एकदम जो होता है ना बिगिनर फ्रेंडली कार्डियो कीजिए। अदरवाइज आप अचानक से हैवी एक्सरसाइज करेंगे तो फिर आपकी बॉडी में बहुत ज़्यादा पेन होगा। और इसके बाद मैं आ गई थी ब्रेकफास्ट करने के लिए। तो ब्रेकफास्ट में मम्मी जी ने जो बनाया था छोटा छोटा, वो मैंने 4 पीस लिया है, और साथ में घर का बना हुआ भुजिया ले लिया है, क्योंकि मैं ऐसे ही नहीं खा पाती। अब मैं आ गई हूँ पढ़ाई करने के लिए, और अभी शुरू होगा मेरा सेकेंड स्टडी स्लॉट। तो अभी मैं अपना टाइमर ऑन कर दूँगी, और नेक्स्ट सब्जेक्ट है साइंस। साइंस में ये क्लास 6 की बुक है, तो इसी से मैं आज चैप्टर नंबर 6 एंड चैप्टर नंबर 7 पढ़ूँगी। ये बुक बहुत अच्छी है, अगर आप इस बुक को पढ़ेंगे ना तो आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेंगी। स्पेशली मुझे मिलती हैं, क्योंकि बायोलॉजी मेरा बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। तो आज मैंने पढ़ा था प्लांट से रिलेटेड एक चैप्टर, तो उसमें मैंने पढ़ा कि अरे बाबा, लीफ के इतने भी पार्ट्स होते हैं, जैसे कि लैमिना, पेटियोल, मिडरिब, वेंस। तो बहुत अच्छा लगा कि चलो इतनी चीज़ें तो मैं जान पाई कम से कम। और देखिए, ये जो 6th चैप्टर है चेंजेस अराउंड अस, इससे मुझे ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये केमिस्ट्री का चैप्टर है, और केमिस्ट्री और फिज़िक्स मेरा बहुत अच्छा है, क्योंकि केमिस्ट्री फिज़िक्स मुझे मेहनत करने की ज़रूरत है ही नहीं, क्योंकि मतलब केमिस्ट्री और फिज़िक्स का मेरा कॉन्सेप्ट ना मतलब बहुत ही ज़्यादा अच्छा, क्लास 10th तक। वो इसलिए भी क्योंकि ट्यूशन पढ़ाती थी मैं, तो ट्यूशन जब पढ़ाएंगे ना आप CBSE बोर्ड के स्टूडेंट्स को, तो उनका क्वेश्चन भी कोई ईजी नहीं आता है बोर्ड्स में। उसको पढ़ाने के लिए ना आपका कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा होना चाहिए, तभी आप उनके क्वेश्चंस भी सॉल्व कर पाएंगे। तो इस वजह से मेरा केमिस्ट्री एंड फिजिक्स बहुत अच्छा है, बट ये चीज़ मैं बायोलॉजी के बारे में नहीं कहूँगी, क्योंकि मैं बायोलॉजी नहीं पढ़ाती थी। अगर आप भी बिहार टीचिंग की तैयारी कर रहे हैं ना, तो चाहे आपका सब्जेक्ट कोई भी हो, आप NCERT को बहुत अच्छे से फॉलो कीजिए, क्योंकि ना बहुत लोग सोचते हैं कि NCERT से डायरेक्ट क्वेश्चन आता है क्या। देखिए, डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं भी आएगा ना, तो आपका बेस इतना स्ट्रांग हो जाएगा कि आपका बेसिक्स इतना क्लियर हो जाएगा कि आप हार्ड क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। इसके बाद मैंने थोड़ा सा ब्रेक लिया था, और ब्रेक में मैं खा रही हूँ इडली, और ये इडली ना हमारे घर के तरफ बेचने आता है, तो मेरे हस्बैंड मेरे लिए लेकर आए थे, तो अभी मैं दोपहर में यही खा रही हूँ बस। इसके बाद अब मैं 3rd स्टडी स्लॉट में आ गई हूँ, और 3rd स्टडी स्लॉट में मैं बनाऊँगी मैथ्स। सबसे पहले मैं सर्कल्स चैप्टर सॉल्व करूँगी क्लास 9th के बुक से। हे फ्रेंड्स, दोपहर के 2:05 हो रहे हैं, और अभी मैं अपना 3rd स्टडी स्लॉट शुरू करने जा रही हूँ। तो ये जो 3rd स्टडी स्लॉट है ना, ये थोड़ा लंबा होगा, क्योंकि इसमें मैं पढ़ूंगी मैथ्स। तो मैथ्स में सबसे पहले मैं पढ़ूंगी क्लास 9th की बुक से, और आज का जो टॉपिक है वो है सर्कल्स। आप में से बहुत लोग बोल रहे थे कि इस पूरे बुक को सॉल्व करना होगा क्या, तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगी कि जो टॉपिक आपको ईजी लगता है उस टॉपिक को आप स्किप कर दीजिए। जैसे मुझे इस बुक का पॉलिनोमियल्स हो गया, क्वाड्रिलेटरल्स हो गया, ये सब मुझे बहुत, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, ये सब टॉपिक्स मुझे बहुत ईजी लग रहे थे, क्योंकि वो मुझे पहले से आता है। सर्कल्स में मुझे पहले
ऐसा आता है, बट मुझे लगता है कि इसमें थोड़ा सा मुझे कमांड करने की जरूरत है, तो मैं भी सर्कल्स बनाऊंगी। अब आप ये सोचेंगे कि सर्कल्स में जो थ्योरम दिए हैं वो है उसे भी बनाना है क्या, तो मैं तो कहूंगी कि आप थ्योरम्स को ही बना लीजिएगा, क्योंकि थ्योरम बनाने से ना कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर हो जाता है थोड़ा, और फिर थ्योरम पे बेस्ड जब क्वेश्चन आएंगे तो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा, तो आप क्वेश्चन को आराम से सॉल्व कर पाएंगे। तो चलिए अब मैं अपने थर्ड स्टडी स्लॉट की शुरुआत करती हूँ। आज मैंने सर्कल्स के जो सॉल्व करने वाले क्वेश्चंस होते हैं वो किया है, कल मैं इसके थ्योरम्स करूँगी। और डिवाइड करके पढ़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सर्कल्स ना अपने आप में बहुत वास्ट टॉपिक है, तो इसके हर एक टॉपिक को बहुत अच्छे से कंप्लीट करना भी ज़रूरी है। तो इसीलिए मैंने सोचा था कि आज मैं केवल उन टॉपिक्स को करूँगी जिसमें मुझे सॉल्व करना है, जैसे आंसर निकालना है, कोई कॉर्ड है तो कॉर्ड की लेंथ कितनी है, सर्कल का रेडियस निकालना है तो कैसे निकालना है, दो कॉर्ड के बीच के डिस्टेंस निकालना है तो वो कैसे निकालना है, आज इस टाइप के क्वेश्चंस मैंने सॉल्व करे हैं। लेकिन कल मैं सॉल्व करूँगी सारे थ्योरम्स। थोड़ी देर सर्कल पढ़ने के बाद मैं बैच से पढ़ने लग गई थी, और आप में से बहुत लोग पूछ रहे थे कि आपने बैच कहाँ से परचेज़ किया है, तो 9-10 के लिए तो मैंने प्लेटफॉर्म से परचेज़ किया है। और अगर आप रिव्यू मांगेंगे तो देखिए, अभी मैंने केवल एक ही टीचर से पढ़ा है, क्योंकि आज मैं फर्स्ट डे बैच से पढ़ रही, इससे पहले मैंने बैच से नहीं पढ़ा है। और वो टीचर है अमरजीत सर, तो अमरजीत सर तो अच्छा पढ़ाते हैं, लेकिन बाकी जो दो टीचर्स पढ़ा रहे हैं, अभी मैंने उनसे पढ़ा नहीं है तो मुझे उनका पता नहीं है। लेकिन हाँ, अगर मैं अमरजीत सर की बात करूँ तो इनका मैंने यूट्यूब पे भी सेशन देखा था, तो ये बहुत अच्छा पढ़ाते थे और इनकी वजह से ही मैंने बैच परचेज किया है। फ्रेंड्स, थर्ड स्टडी स्लॉट में मैंने सर्कल्स के कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए, और इसके बाद फिर मैं बैच से पढ़ रही थी, और बैच से मैंने ट्रिग्नोमेट्री का एक वीडियो देखा है, एक वीडियो अभी बचा हुआ ही है, बट बहुत देर मैंने मैथ्स बना लिया तो मुझे थोड़ा सा रेस्ट चाहिए, मतलब लगभग मैं आधे घंटे का रेस्ट करूँगी, उसके बाद मैं एक वीडियो और देख लूँगी, क्योंकि आज का मेरा टारगेट है कि मैं मैथ्स के दो वीडियो देखूँ। और आप में से बहुत लोग पूछ रहे थे कि कहाँ से बैच लिया है, तो 9-10 के लिए तो मैंने प्लेटफॉर्म से बैच लिया है मैथ्स के लिए, और 6-8 के लिए मैं ऑफिसर्स अकेडमी से बैच लूँगी, अभी मैंने परचेज़ किया नहीं है, बट मैं एक दो दिनों में परचेज कर लूँगी। तो अभी तो मैं 9-10 पर ज़्यादा फोकस कर रही हूँ, तो बस अभी मिलती हूँ आपसे थोड़े से ब्रेक के बाद, क्योंकि अब मुझे थोड़ा रेस्ट करना है। अभी बच गए हैं 5:30। लास्ट में ना मैं आपको टाइम दिखाना भूल गई थी, मुझे याद नहीं रहा था, बट उस समय 5 बज रहा था, तो फिर मैंने लगभग 40 मिनट का रेस्ट किया, और इसके बाद दोबारा आ गई हूँ पढ़ने के लिए। तो सर ना ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा रहे थे, मतलब बहुत अच्छा पढ़ा रहे थे, और ट्रिग्नोमेट्री के शॉर्टकट्स भी बता रहे थे, पर मुझे नहीं लगता कि उतने सारे शॉर्टकट्स हम याद रख पाएंगे, क्योंकि देखिए ट्रिग्नोमेट्री की जो आइडेंटिटीज़ होती है ना, जो प्रूफ वाला क्वेश्चन होता है, उसमें ये डायरेक्ट बता रहे थे कि अगर ऐसा क्वेश्चन आएगा तो इसका आंसर यही रहेगा, तो मुझे नहीं लगता कि वो चीज़ें ज़्यादा याद रहेंगे एग्ज़ाम में। तो मुझे तो ऐसा लगता है कि बेसिक स्ट्रॉन्ग होना ज़्यादा ज़रूरी है, और अगर आप लॉन्ग मेथड से भी बना पा रहे हैं तो मुझे लगता है वही अच्छा है। लेकिन हाँ, मैं आपको कहूँगी कि अगर आपका मैथ स्ट्रॉन्ग है, जैसे कि आपने 9-10 को कभी ट्यूशन पढ़ाया या फिर 9-10 के टॉपिक्स आपको इजी लगते हैं, तो मैं कहूँगी कि आपको बैच लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैंने बैच लिया तो मुझे वैसा नहीं लग रहा कि बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है, मुझे लग रहा कि अरे हाँ ये सब तो मुझे आता ही था। लेकिन हाँ, आप बैच परचेज कर लिया तो मुझे यहाँ से पढ़ना तो पड़ेगा ही, तो इसीलिए मैं पढ़ रही हूँ। अगर आपको मैंने तो आप भी ले सकते हैं, लेकिन हाँ, अगर आपका बहुत स्ट्रॉन्ग कमांड है ना मैथ्स पे, तो फिर आप छोड़ भी सकते हैं, आप केवल RS अग्रवाल NCERT बना के भी मतलब आराम से अच्छा स्कोर कर लेंगे। इसके बाद मैं आ गई थी खाना बनाने के लिए। हमारे घर में आज लिट्टी बन रही है, पर दादी जो है ना वो लिट्टी नहीं खा पाती हैं, तो पहले उनके लिए मैं रोटियां बना रही थी, और इसके बाद यहाँ पर मैं, मम्मी जी और पापा जी, हम तीनों मिलकर लिट्टी सेक रहे हैं। कल के वीडियो में मैंने आपसे अपना OMR शीट शेयर किया था, और आपने मुझे बहुत प्यार दिया, बहुत सपोर्ट किया, इसके लिए बहुत ज़्यादा थैंक यू। और बस आज के ब्लॉग को मैं यहीं पर ख़त्म करती हूँ। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।